Now our chapter is endocrine glands, the producers of chemical messengers. अब endocrine glands, सबसे पहले इस चीज को स्टार्ट करने से पहले what we will look into कि जो human beings हैं, they are the most complex organisms, काफी complex होते हैं because multicellular organisms जो होते हैं ना, they are really complex क्योंकि उनके जो body demands हैं, energy requirements हैं, those are quite complex. अब आप ये देखो, एक cell जब they formed a group they collected to form a tissue जो एक जैसा function करते थे. Tissues they organize into another step which is called organs. Organs फिर दोबारा इकट्ठे हुए and they collaborated to form organ system. जब various organ systems का collaboration होता है तो एक multicellular organism बन जाता है. So obviously अब देखो ये जो organisms हैं, अब इनके body में इतने सारे organ systems हैं. Obviously वो सारे के सारे organ systems अपने जो department का काम है वो regularly कर रहे हैं. नेचुरल सी बात है, हर डिपार्टमेंट को आपस में एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर के साथ काम करना पड़ता है. इफ दे आर नॉट एक्टिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर तो क्या होगा, बॉडी के जो भी रिजल्टेंट मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ है, वो सब क्या आएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट आएगा. सो इन ऑर्डर टू लीड अ वेरी कोऑर्डिनेटेड लाइफ, है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कोऑर्डिनेटेड एक लाइफ लाइक बेयर करनी है तो ऑब्वियसली उसके जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन सबको एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में काम करना पड़ता है. एंड ये वो कैसे पॉसिबल है, अब ये कोई एज सच तो कोई बींग्स तो है नहीं कि कुछ भी बोलेंगे एंड दे विल से ओके मैं ऐसा कर रहा हूँ तुम ऐसे करो. अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है. अगर सपोज करो हम खाना खा रहे हैं राइट, और स्टमक ने अपना काम कर दिया ओके. अब स्टमक के बाद अगर सपोज करो जो लिवर है वो अपना काम ही ना करे, बाइल जू सिक्रीट ही ना करे, तो क्या होगा, बाइल जू सिक्रीट नहीं हुआ तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो एसिडिक फूड पहुंच जाएगा, तो इससे क्या हुआ कि वहां पे काफी डैमेज हो जाएगा. तो जिसका जो सारा रिजल्टेंट है वो किसके ऊपर आएगा, ऑर्गेनिज्म के ऊपर आएगा. इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप कहीं जा रहे हो और एकदम से आपको एक डॉग आपके पीछे पड़ जाता है, सो व्हाट इज दैट, आपको एकदम से भागना है बट योर मसल्स आर नॉट, दे आर नॉट रेडी. वो कहते हैं हम तो नहीं भागते. अगर मसल्स भाग भी रहे हैं तो आपका जो लंग्स की जो एक ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ ही नहीं रही है. लंग्स कहते हैं मैं तो अपने स्पीड से ब्रीथ करूंगा, मुझे मत कुछ कहो. उसी तरह से हार्ट ने बोला कि भाई मैं तो पंपिंग अपने हिसाब से करूंगा, जैसे मैं करूंगा, अब जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए उसी में काम चलाओ. तो क्या ये पॉसिबल रहेगा टू डील अप विद सो मेनी सिचुएशंस, क्योंकि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, इट हैज टू फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, उसको हर सिचुएशन को अकॉर्डिंगली इनैक्ट करना पड़ता है. अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस कोऑर्डिनेशन को एक यू नो एक फंक्शनल लिंक में लाने के लिए, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दे एक्चुअली सिक्रीट हॉर्मोन्स. अब हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली आप कह सकते हो केमिकल होते हैं नेचर में, दे आर केमिकल सिक्रीशंस. और इनका बेसिक काम क्या होता है, दे हैव टू रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटीज. इन्होंने जितनी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है उनकी रेगुलेशन करते रहना. अब क्योंकि मैंने आपको अभी ये बताया कि जो बॉडी एक्टिविटीज है दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. अब ये समझ में नहीं आता कि भाई जो रेगुलेशन है, अब कई बार होता है कि यार रेगुलेशन इंपॉर्टेंट ही क्यों है, क्या जरूरत है रेगुलेशन करने की, छोड़ो पर. बट नो, रेगुलेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम रेगुलेशन को बिल्कुल इग्नोर करते. नो, बिकॉज जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज है वो प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, अब सपोज एक इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पीछे एक डॉग है, तो आप अगर भागोगे नहीं, भाग रहे हो तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज नहीं हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, तो क्या होगा, उसका क्या फायदा फिर इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स होने का. सो दे नीड टू एक्ट एट अ वेरी प्रॉपर टाइम, ठीक है, उनको एक प्रॉपर टाइम पे एक्ट करना बहुत जरूरी है. और दूसरा, एक करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत मायने रखता है. अब जैसे सपोज करो, सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है, अभी डॉग पीछे पड़ा नहीं है तो आपका हार्ट ने पहले ही पंप करना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, पेस्ट इकट्ठा हो गया. So what is the use of that, you know, activity which is not properly organized? Properly organization होना भी बहुत जरूरी है. जो sequence बाद में चाहिए अगर वो पहले हो जाए तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, right? अगर हम inhaling कर रहे हैं और पहले आप exhaling करना शुरू कर दो तो what is the benefit? जो एक sequencing बनी है वो काफी सोच समझ के बनी गई है कि नहीं ये sequencing best है. अब जैसे छोटी सी बात है, जो यूरिया होता है उसको किडनी जो है वो पहले ही फिल्टर कर देती है. Before taking the blood into the heart, वो यूरिया पहले ही फिल्टर आउट हो जाता है, because urea is quite poisonous in nature. So in order to avoid that any kind of damage to our heart, क्योंकि heart देखो हमारी मोटर है, अगर वो बंद हो गई तो पंगा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए किडनीज क्या कर रही है, पहले ही उसको फिल्टर करके भेज देती है. अगर वो ना हो तो क्या होगा,
हार्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, किडनीज नहीं काम कर रही है, तो वही चीज, वही सीक्वेंसिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. तो जो रेगुलेशन है, जैसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो रेगुलेशन है इट इज बीइंग अंडरटेकन बाय योर हार्मोन्स. हार्मोन्स आर एक्चुअली केमिकल रेगुलेटर्स जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स या ग्लैंड्स उसको सिक्रीट करते हैं. और एक मिनट, यस ठीक है जी. हार्मोन जो है स्पेसिफिकली उनको कोई ग्लैंड्स या सेल्स उसको सिक्रीट करेंगे और वहां से उस सेल या ग्लैंड से ब्लड उसको लेके अलग अलग जगहों पे लेके जाएगा और जहां पे उसको काम करना है दैट इज कॉल्ड एज टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट सेल्स. ओके, सो स्पेशल सेल्स क्या हुए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड. डक्टलेस बोले तो डक्टलेस इज ट्यूबलेस. अब देखो सीधा हम ब्लड में डाल रहे हैं, देयर इज नो काइंड ऑफ जैसे आर्टरीज वेन्स ऐसी कोई ट्यूब्स नहीं है जिसके अंदर हार्मोन पोर आउट होके जा रहा है, ब्लड इसको जनरली लेके जा रहा है. ठीक है, सो इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड. अब इसको डायरेक्टली हम ब्लड में जो है वो पोर आउट कर देते हैं. इसी तरह से आपके एक्सोक्राइन होते हैं, उनके केस में आपके उनके पास डक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में हॉर्मोन्स को सिक्रीट नहीं करते. अब हाउ डू हॉर्मोन्स दे वर्क, सबसे पहला जो इनका नेचर ऑफ वर्क होता है ना दैट इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हॉर्मोन, यस. अब आप अगर हम आपने आसपास देखते हो, यू मस्ट हैव सीन योर यंगर ब्रदर, बहुत छोटा बेबी होता है धीरे धीरे बड़ा होता है. ऐसा तो नहीं होता ना कि बेबी आया वर्ल्ड में दो तीन साल बाद ही वो टेंथ जितना बच्चा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता. इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो दैट एक्चुअली हॉर्मोन्स दे आर वेरी स्लो इन नेचर, बहुत स्लो काम करते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इनका जो ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू ब्लड, हमेशा ब्लड के थ्रू इनका ट्रांसमिशन हो रहा है. ठीक है, और वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है इनका, मतलब इनका जो इफेक्ट होगा वो काफी वाइडर एरिया को कवर अप करता है. जो इफेक्ट रहता है वो दोनों तरह से होता है, शॉर्ट टर्म भी रहता है लॉन्ग टर्म भी रहता है. ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे उस हिसाब से हमारे को मालूम चलेगा कि किस हॉर्मोन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म रहता है और किस हॉर्मोन का लॉन्ग टर्म रहता है. ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंटली रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ये इनका बेसिक काम होता है मेटाबॉलिक. हाँ जी बेटा रिद्धिमा. मैम जैसे आपने बोला कि ये स्लो काम करते हैं, बट ये कंपलसरी तो नहीं है सारे केसेस में स्लो काम करे. जैसे अब हमें जैसे आपने डॉग वाला ही एग्जांपल दिया तो उसमें रैपिड रिलीज चाहिए होता है. बिल्कुल सही बात है, वो आपका जो हार्मोन है उसको स्पेसिफिकली इस कैटेगरी में डाला गया है कि इट इज एन इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन है क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा. वो क्या कर रहा है, वो सब चीजों को ऑर्डर दे रहा है. जैसे हार्ट को उसने फटाफट इफेक्ट दिया, उसने इधर से आपकी मसल्स को फटाफट इफेक्ट दिया, ब्लड सप्लाई बढ़ा दी. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द थिंग्स, समझ गए. उसको स्पेसिफिकली हमने नाम ही यही दिया हुआ है इमरजेंसी हार्मोन. यू आर वेरी मच करेक्ट कि हम सबको ये नहीं कह सकते, सारे हॉर्मोन्स को ये नहीं कह सकते. इट इज नॉट अ जर्नल टर्म कि सबके सब, इट्स अ जर्नल फीचर कि वो स्लो होते हैं एक्शन में. ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, और एड्रेनलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो इसका एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर वो स्लो होता तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती टू डील अप विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील ही ना कर पाते. एक्चुअली होता क्या है, जो एड्रेनल ग्लैंड होता है ना, वो दो तरह के हार्मोन से क्रिएट करता है. एक तो ये होता है जो इमरजेंसी हार्मोन है, एक दूसरा भी हार्मोन होता है विच इज वेरी स्लो इन एक्शन. ठीक है, तो ये एड्रेनलिन, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि दिस इज एन एक्सेप्शन, वी कैन कंसिडर इट टू बी एज एन एक्सेप्शन कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज नॉट स्लो, वो फास्ट एक्शन करता है. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जब डॉग पीछे पड़ा हमारा अभी हम बैठ जाएंगे, अभी तो एड्रेनलिन सिक्रेट हो रहा है, रुक जा डॉग यार पहले होने दे फिर भागियो हमारे पीछे है ना, तो वो तो होगा नहीं ना. ठीक है चलो, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है बेटा, हार्मोनल कंट्रोल. जो हार्मोनल के एक फीचर्स होते हैं ना, आप इसके बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर सकते बाय लर्निंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन है, अब ग्रोथ हार्मोन कितना सिक्रेट होगा, कैसे सिक्रेट होगा, दैट इज ऑल देयर इन योर जीन्स. आप इसको याद नहीं कर सकते. ठीक है, आप ये इसको जैसे आप सपोज करो, अगर हमारे को कई आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स के मुंह से कई बारी कि जब भी एग्जाम आने वाला होता है या उनको एग्जाम देने जाना होता है या रिजल्ट आने वाला होता है तो दे फील समथिंग इनसाइड, उनको पेट में गुड़गुड़ या फिर लॉट ऑफ स्वेटिंग होना शुरू. ये हमारे हाथ में नहीं होता, आप इसको लर्न भी नहीं कर सकते. अब एग्जाम तो हर साल दे रहे हैं, क्या हम हर साल उस चीज को फेस कर रहे हैं बट स्टिल हमने उसको लर्न नहीं किया. ठीक है, तो हम इसको लर्निंग से मॉडिफाई नहीं कर सकते कि हाँ जी अब इसको हम समझ जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं, इंसुलिन है, आप याद थोड़ा रखोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ देयर इज एनॉर्मिटी.
जो वहां पे एक डेफिशिएंसी प्रेजेंट है या फिर ओवर सिक्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ग्लैंड. सिक्रेशन कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, अब आता है हमारा नर्वस कंट्रोल. अब नर्वस सिस्टम अभी हमने पढ़ना है, लेकिन नर्वस कंट्रोल के बारे में हमें काफी कुछ पता है. सबसे पहले तो ये बहुत इमीडिएट होता है, रैपिड होता है. अब मैं स्लो की बात कर रही थी ना बेटा. अब देखो, आप अगर सपोज आप एक गर्म प्रेस को हाथ लगा देते हो, आप विद इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप हाथ अपना पीछे कर लेते हो. लेकिन इसमें ही एक एक एक्सेप्शन आता है. आपने हाथ में गरम गरम मैगी की प्लेट पकड़ी, आप इसको कभी नहीं गिराओगे, क्योंकि आपको पता है एक तो मैगी आपकी फेवरेट, नंबर टू जो गिर गई तो मम्मी से छितर बड़े पड़ेंगे और दोबारा मैगी बनाने की परमिशन नहीं मिलने वाली. तो दैट इज हमारा ब्रेन जो है बड़ा कैलकुलेटिव है, वो उसको कैलकुलेट कर ला हमारे प्रोज एंड कॉन्स. इसमें आपका अगर नर्वस कंट्रोल काम कर रहा है तो वो नुकसानदायक हो जाएगा हमारे लिए. तो ब्रेन कहता कोई बात नहीं, तुम इसको पकड़े रखो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है. सेफ जगह पे आते ही आप उसको छोड़ देते हो, है ना, फिर सी 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 शुरू हो जाता है. बट वी डू दैट, है ना, करते हैं हम ये चीज. और नर्वस कंट्रोल में सबसे अच्छी बात है जो ट्रांसमिशन हो रहा है, बिकॉज जो नर्वस कंट्रोल है दैट इज एक्चुअली द इमरजेंसी केस. वो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स मांगता है. तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मांगने के लिए ऑब्वियसली ब्रेन तक सिग्नल पहुंचना और ब्रेन से सिग्नल वापस आना, ये बहुत इमीडिएट होता है, बहुत जल्दी होता है. एंड फॉर दैट इलेक्ट्रोकेमिकली ट्रांसमिशन होता है, उसका केमिकल इन्वॉल्वमेंट भी है और इम्पल्स जो है, क्योंकि जो सारे केमिकल्स हैं दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस में बदल जाते हैं और उसकी जो ट्रांसमिशन है दैट इज क्वाइट फास्ट. आप ये देखो ना कितनी जल्दी आपने आयन पे हाथ भी लगा दिया गर्म और फटाक से हटा भी दिया. आप कितना मतलब कितना थोड़ा टाइम है हमारे ब्रेन ने उसको समझ के एनालाइज करके और आपको एक्शन बहुत फास्ट होता है. यस, बहुत फास्ट होता है. तो उसके कंपैरिजन में तो एड्रेनलिन का एक्शन स्लो हुआ ना, अगर हम उसके कंपैरिजन देखते हैं. वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एड्रेनलिन जो है हम सारे हॉर्मोन्स में लगाएंगे तो वो भैया बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि उसके बिना तो बात बनेगी नहीं ना हमारी. लेकिन जो नर्वस कंट्रोल है वो काफी फास्ट होता है. आपको पता है ये जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, ये एक्चुअली डायरेक्टली ब्रेन नहीं देखता है इसको, उसने अपना एक सबॉर्डिनेट बनाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे रिफ्लेक्स आर्क होती है, जो वो सबॉर्डिनेट देख लेता है. वो जैसे उसने फाइल पकड़ी. हाँ जी, हाँ जी बेटा. पर जैसे जैसे अब हमें रनिंग के लिए जाने है, तो लेकिन हम तब तो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें रनिंग करनी है, तो उसमें भी एड्रेनालिन सिक्रीट होते हैं या हम नॉर्मली बॉडी फंक्शन करती है? नहीं नहीं, नॉर्मली बॉडी फंक्शन करते हैं. एड्रेनालिन आपका आता है जब आप यू आर इन स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी रेस है, तब ये एड्रेनालिन सिक्रीट होगा, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, एंग्जायटी बिल्डअप हो रही है इमरजेंसी से. वो उस केस में सिक्रीट होता है. अदरवाइज तो नॉर्मल हार्मोन जो चल रहे हैं हमें चाहिए ही है, मसल के लिए ब्लड सप्लाई तेज चाहिए, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, तो माइल्ड सिक्रीशन तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि ये फिजिकली जो है आपका ये काम करेगा ही करेगा. और ये कोलैबोरेशन होता है, सिंगल हार्मोन नहीं सिक्रीशन से ये नहीं होता, इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स. अब मैं ये बता रही थी आपको बेटा, जो ट्रांसमिशन में मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी रिफ्लेक्स आर्क, वैसे तो हम ये नर्वस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसमें क्या होता है, ब्रेन अपना एक सबॉर्डिनेट रख लेता है स्पाइनल कॉर्ड, रख क्या लेता होता है उसका, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ये डिसीजंस ले लेता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से नीचे होता है, तो वो डिस्टेंस जो है वो बच जाता है. फाइल पहले ऊपर तक जाएगी, ऊपर से नीचे तक आएगी, तो सीएम या पीएम तक जाने से पहले पीएमओ एक्शन ले लेता है, बाद में उसकी रिपोर्टिंग पीएम को कर देता है साथ के साथ कि हमने ये एक्शन ले लिया, ये हमने एक्शन लिया है. तो वो क्या है, इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ. नहीं तो क्या होगा, आयन के साथ आप चिपके ही रह जाओगे इतनी देर, तो कुछ कुछ सेकेंड्स भी बहुत मायने रखते हैं. अब आता है बेटा जो नर्वस कंट्रोल होता है ना, इट अफेक्ट्स ओनली पर्टिकुलर मसल्स या ग्लैंड्स, ये पर्टिकुलरली अफेक्ट करता है. अब जैसे मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो काफी वाइड स्प्रेड होता है, आपकी पूरी बॉडी ग्रो करेगी. ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक हाथ ग्रो कर रहा है एक कर ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं होगा, इट वुड बी प्रोपोर्शनल. लेकिन इस केस में यही होता है, पर्टिकुलर मसल्स या पर्टिकुलर ग्लैंड्स काम करते हैं, अफेक्ट करते हैं. इसका इफेक्ट काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट. इसके ये ग्रोथ को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, नर्वस कंट्रोल डजंट अफेक्ट ग्रोथ, आपका इससे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन में कोई रोल नहीं है इसका. आप इसको लर्निंग से मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि एक बड़ी अच्छी हिंदी में कहावत होती है, मुझे आती नहीं है अच्छे से, कि जब आप गर्म सा दूध पी ले तो एकदम आपकी टंग जो है वो बर्न कर जाती है, तो नेक्स्ट टाइम आप पियोगे ना आप थोड़ा सा डर जाओगे कि नहीं रुक के पीऊंगी, है ना. जैसे ही सपोज कोई आपको कोई एरोमेटिक अच्छी खुशबू आती है खाने की, तो यू टेंड टू हैव दैट सेंसेशन. यस, तो ये सारा नर्वस कंट्रोल आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो बाय लर्निंग. अगर आपको सिखा दिया कि आपने ऐसे चलना है तो इट विल बी बेनिफिशियल, आप वैसे ही चलोगे. ठीक है, जैसे आप रोड क्रॉस करनी है आप राइट लेफ्ट ही देखोगे, हमेशा देखते हो. ठीक है,
अब है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमने अभी बात करी थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। इसमें काफी सारे आपके ग्लैंड्स, काफी सारे ग्लैंडुलर सेल्स आ जाते हैं, जिनका क्या काम है, उनका ओवरऑल काम क्या है कि दे हैव टू परफॉर्म द कॉमन फंक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। उन्होंने एक कॉमन फंक्शन करना है विच इज देयर कि हाँ केमिकली आपने कोऑर्डिनेट करके रखना है। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन हमने कुछ हद तक इसकी कंट्रोल में पढ़ ली है, जो उसकी नॉर्मल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, लेकिन फिर भी एक रिव्यू ले लेते हैं। देखो, एक तो ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट आउट हो जाते हैं, ठीक है जी। दूसरा, ये हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। पहली बात मैंने बोली कि डायरेक्टली वो ब्लड में चले जाते हैं। नंबर टू, मैंने आपको बोला कि दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय केमिकल मींस, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बोल रही हूँ कि ये हमारी बॉडी के एंजाइम सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं। देखो, कोई भी हमारी बॉडी में देखो रिएक्शंस जो हो रही हैं, इतनी जल्दी जो काम हो जाता है वो बिकॉज ऑफ एंजाइम्स होता है, क्योंकि एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है, दे आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिएक्शन में, बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। दे जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, सो दे दैट रियली मेक्स पॉसिबल। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे को फूड ही तोड़ना है तो उसमें आपने पढ़ा था कि कितने सारे एंजाइम्स काम करते हैं। कोई कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है, कोई लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, कोई प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। आप ये देखो, हर चीज के लिए एक स्पेसिफाइड एंजाइम है। तो ऑब्वियसली ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपका, ये एंजाइम सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, सो दैट वो पर्टिकुलरली उसी चीज के ऊपर अपना इफेक्ट डाले। दे विल एक्ट ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स। और ये हमेशा ये होता रहा है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं ना, वो जहां से वो सिक्रेट हो रहे हैं उससे काफी दूर होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रोथ हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है और ग्रोथ पूरी बॉडी में हो रही है, सो दैट मींस टारगेट सेल्स आर क्वाइट अवे फ्रॉम देयर सोर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और अलग सी जो बात है क्या है कि जो हार्मोन का रिस्पॉन्स होगा, अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का जो रिस्पॉन्स है वो आपका ग्रोथ करना है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में वही उसका रोल होगा। अगर आप रैट्स में देखोगे, आप डॉग्स में देख रहे हो, तो दूसरी स्पीशीज में भी उसका इन्फ्लुएंस सेम ही होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, ये हमेशा थोड़ी क्वांटिटीज में बनता है, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज में बनेगा। बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है, मतलब बहुत माइन्यूट अमाउंट में इट इज वेरी 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 एक्टिव और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट दिखाता है। अब ग्रोथ हार्मोन आपको क्या लगता है कितना ग्रोथ हार्मोन, बहुत थोड़ा सिक्रेट होता है। इंसुलिन है, बहुत थोड़ा सिक्रेट होता है, काम चली जाता है ना। देन अब इसमें से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल जैसे कि पेप्टाइड्स, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन, ओके। एंड जो लिपिड सोल्यूबल है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टेरॉइड्स। ये आपके आगे टेस्टोस्टेरोन, ये सारे एड्रेनलिन से सिक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन तो नहीं, ये आपका टेस्टिस जो ग्लैंड है वहां से सिक्रेट होता है। अब देखो, अब एक और पंगा होता है, अगर तो नॉर्मल सिक्रेशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिक्रीशन कम हुई या ज्यादा हुई, दोनों केस में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब ये होता ना कई बार, जैसे हम सपोज ये मान लेते हैं कि यार चल कोई बात नहीं, कम सिक्रीशन हुई है, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे इसको, कोई बात नहीं और आ जाएगा। नो, दैट ऑल्सो लीड्स टू सम प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करें, वो कम सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, ग्रोथ कम रह जाएगी, द पर्सन विल बी शॉर्ट, वो छोटा रह जाएगा, ड्वार्फिज्म आ जाएगा। अगर सपोज ज्यादा सिक्रेट हो रही है तो क्या होगा, ग्रोथ ही होती चली जाएगी, द पर्सन विल बिकम Giant. So, इसी तरह से नॉर्मल सिक्रेशन इज रियली रिक्वायर्ड। अगर एक्सेस या डेफिशिएंसी दोनों केसेस होते हैं तो दोनों में ही दिक्कत आती है, ठीक है बेटा। अब कई बार ऐसे होता है, हम ऐसे सोच लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में भी है, अगर सपोज ज्यादा कोई चीज आ जाती है, अभी सेट नहीं कोई बात नहीं, हम इसको फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता हॉर्मोन्स के केस में। वी कांट स्टोर देम इन बॉडी, दे आर ऑलवेज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। जब हमें जरूरत है ये तभी ये सिक्रेट आउट होते हैं, अदरवाइज ये स्टोर नहीं हो सकते हमारी बॉडी में। हम ऐसे नहीं कर सकते कि चलो यार आज इसको स्टोर करके रख लेते हैं, नो वी कांट स्टोर इट। आई होप इतना क्लियर है बेटा आपको। चलिए अब नेक्स्ट, हम ग्लैंड्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो वेरी फर्स्ट ग्लैंड इज एड्रेनल ग्लैंड, ओके बेटा। अब एड्रेनल ग्लैंड जो है ना, इट इज फाउंड अबव द किडनीज, ठीक है। ये किडनीज के बिल्कुल, हाँ जी, सो एड्रेनल ग्लैंड जो है इट्स लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये किडनीज के बिल्कुल ऊपर होते हैं, ठीक है। एंड वी डिवाइड देम इनटू टू मेन पार्ट्स, वन इज योर सेंट्रल जो बिल्कुल सेंटर में होता है, एंड दैट वी कॉल एज मेडुला, ओके बेटा, वी कॉल इट एज मेडुला,
सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला, और जो पेरिफेरल होता है मतलब सेंटर के बाहर बाहर जो है दैट विल बी कॉल्ड एज योर कॉर्टेक्स। क्लियर बेटा जी? दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा चीज क्या सिक्रेट करता है। तो सबसे पहले जो मेडुला है वो सिक्रेट करता है आपका एड्रेनलिन। ठीक है बेटा जी, वो क्या सिक्रेट कर रहा है? एड्रेनलिन। Yes, ये रहा एड्रेनलिन। और जो आपके कॉर्टेक्स है वो सिक्रेट करता है कॉर्टिसोल। ठीक है बेटा। अब एज यू वेरी वेल नो, जो एड्रेनलिन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हॉर्मोन, और ये हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील अप करने के लिए प्रिपेयर करता है। और जो कॉर्टिसोन है बेटा, वो आपका जो उसका इफेक्ट आता है वो आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, उसका जो इफेक्ट आता है इट इज लाइक कमिंग अप ऑफ एंटी इन्फ्लेमेशन। कोई भी जो जैसे इन्फ्लेमेशन होता है कहीं पे भी रेडनेस या स्वेलिंग आना, उसके अगेंस्ट ये काम करता है, उन चीजों को ये दबाता है। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं एक एक करके जो सिक्रीशंस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखो बेटा, अब एड्रेनलिन के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो बेटा ये क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, अलोंग विद दैट के बीपी को भी बढ़ा देता है। ठीक है, हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है। क्लियर बेटा? इट हैज इंक्रीज द हार्ट बीट, इट हैज इंक्रीज द बीपी। क्लियर बच्चा? देन आपका आता है बेटे कि ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है मसल्स की तरफ। क्लियर हो गया? मसल्स की तरफ तो इसने ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, लेकिन जो स्किन होती है या विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। क्योंकि देखो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है, ऑब्वियसली यू हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट, तो रनिंग के लिए यू रिक्वायर मसल्स, है ना? तो मसल्स चाहिए, तो मसल्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है। और दूसरा जो लिवर होता है बेटा, वो ग्लूकोज को ज्यादा पोर इन करता है इनटू ब्लड। आपको अगर ध्यान हो तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लैक्टोज बाय लिवर ओनली, है ना? वो उसको उसमें बदल देता है। सो जो एनिमल जो भी स्टार्च होगा तो वो कहाँ कैसे होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ग्लैक्टेज में कन्वर्ट होकर उसके बाद वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो लिवर क्या करता है, उसको तोड़ के वापस से ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज करता रहता है, सो दैट जो मसल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो जाए। अब आता है बेटा कि ये जो हमारे कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोन्स थे ये क्या करते हैं। अब देखो बेटा, ये दो तरह के होते हैं, पहला तो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक बेटा, नेक्स्ट है बेटा, अब देखो ये क्या काम कर रहे हैं, ये करते हैं जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है ये आपका जो भी मिनरल मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे आपका सोडियम पोटेशियम आयन पंप। ठीक है, ये मस्कुलर फंक्शन के लिए चाहिए होता है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मस्कुलर फंक्शन के लिए, ये उसको रेगुलेट करते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सीधा सीधा है कि ये कार्बोहाइड्रेट की रेगुलेशन करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म की मतलब, देन प्रोटीन एंड फैट, तो ये मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस। अब हम देख लेते हैं इसके जर्नल इफेक्ट्स जो कॉर्टिकोन्स हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दे आर रेगुलेटिंग द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, और स्ट्रेसेस को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड दे बिहेव एज सेक्स हॉर्मोन्स ऑल्सो। क्लियर होगी ये बात, ये तो थी जनरल बात। ठीक, सो नाउ वी विल लुक इनटू द एड्रेनल ग्लैंड। ये देखो, ये किडनी के बिल्कुल ऊपर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैं आपको समझा रही थी कि इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये देखो, ये सेंट्रल पार्ट है, दिस विल बी योर मेडुला, और ये जो पेरिफेरी है दिस इज योर कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, तो मेडुला आपका कहाँ आ गया, इंटरनल, और कॉर्टेक्स आपका आ गया पेरिफेरल। ठीक है, हाँ जी, जो एड्रेनल मेडुला है इट इज सिक्रेटिंग एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, ये दो तरह के हॉर्मोन्स है हमारे जो सिलेबस में है, वी आर डूइंग ओनली एड्रेनलिन, लेकिन इसके अलावा ये नॉन एड्रेनलिन भी सिक्रेट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब क्या हो रहा है कि जब भी इंजरीज लग रही है, जैसे फॉल इन ब्लड शुगर हो रहा है तब ये सिक्रेट हो जाएगा, या हमें इंजरी हो गई, या बहुत ज्यादा ठंड की कंडीशन है, क्या हमें दर्द हो रही है। ठीक है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, दुख हो रहा है, तो उन सब में भी ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या फिर 3F हार्मोन, फ्लाइट फाइट और फ्राइट। ओके, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, 3F हार्मोन।
क्लियर हो गया बट अब ये आपका डाउट क्लियर है कि मैम ये सिंपल कंडीशंस में भी सीक्रेट होता है या नहीं, तो इसका मतलब जब आप डरोगे ठंड लगेगी तो उस केस में ये चीज सीक्रेट होती है। अब देखो क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, अलर्टनेस, अलर्टनेस मतलब यू आर मोर अटेंटिव, प्यूपिलरी डायलिटेशन, आपके प्यूपल्स काफी एक्सपैंड कर जाते हैं, ये देखो स्केलेटल मसल जो है वो काफी ज्यादा फटाफट, जो हार्ट है आपका पंपिंग इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये आर्टरियल्स और जो स्किन और विस्ट्रल ऑर्गन्स है उनकी तरफ ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। ब्रोंकियोल्स एकदम फैल गए, ठीक है, आप देख रहे हो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग आ गई, ये देखो ब्रीदिंग जो है वो काफी बढ़ रही है, हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, ऑक्सीजनेशन पावर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है जी। और साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका लिवर है वो और ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड के अंदर पोर आउट करता रहता है, ठीक है। सो आपकी जो चीजें हैं दे आर बीइंग डन बिकॉज ऑफ द एड्रेनल हॉर्मोन, ओके बेटा। कॉर्टेक्स में बेटा देखो इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया कि वी हैव डिवाइडेड द कॉर्टेक्स इनटू थ्री मेन लेयर्स, इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर, ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, बट इट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलेसा, ठीक है बेटा, ये इसके तीन लेयर्स होते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स मैंने आपको ये बताया था कि काफी सारे हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, फैट मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि कॉर्टिसोल, ठीक है बेटा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स मतलब ये आपके क्या कर रहे थे, मिनरल जो रेगुलेशन था मेटाबॉलिज्म का उसको रेगुलेट कर रहे थे, और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, जैसे मैंने आपको बताया ना सोडियम पोटेशियम आयन का जो पंपिंग एक्टिविटी है उसमें इनका काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं, दे विल स्टिमुलेट मतलब ग्लूकोज का बनना, प्रोटीन का टूटना, लिपिड्स का टूटना और अमाइनो एसिड्स की यूटिलाइजेशन होना या फिर सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करना, मतलब आप अमाइनो एसिड्स को बेइंतहा यूज मत करो, वो ये रोकता है। कॉर्टिसोल जो है वो आपके कार्डियोवास्कुलर और किडनी फंक्शंस को नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प आउट करता है, प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस करता है जैसे मैंने आपको बताया, प्लस एलर्जी से आपको बचाता है। कॉर्टिसोल जो है आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, मैंने आपको बताया सोडियम आयन की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं हो तो वाटर जो है वो रिटेन होता रहता है, यू टेंड टू बिकम ओबेस, पानी रिटेन है आपके अंदर, ठीक है। अब ये आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर आपका बॉडी वॉल्यूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बीपी है, उन सबको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट जो स्टेरॉइड्स का है वो आपका, मैंने आपको बताया ना इट वुड बिहेव एज सेक्स हार्मोन, तो उसमें भी ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है, क्लियर है बेटा। ये समझ आ गया, हाँ जी। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया ना सिक्रेशंस जो हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल हो गया जो हमने अभी पढ़ा कि ये वो क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है, एक होता है या तो नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज्यादा, दोनों में प्रॉब्लम है। अब अगर नॉर्मल से कम है सिक्रेशन तब क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज हाइपो सिक्रेशन, हाइपो मीन्स कम, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम। अब जब ये हाइपो हो गई मतलब सिक्रेशन इज लेस, तो डिजीज कौन सी हो जाती है, एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स इसके होते हैं बेटा लॉस ऑफ एनर्जी, आप बिल्कुल थके थके रहोगे, आप नहीं मतलब पेशेंट, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, स्किन पे पिगमेंट्स बन जाते हैं, पिगमेंटेशन मतलब निशान बन जाते हैं, देयर इज लॉस ऑफ वेट, वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, नौशिया, नौशिया मतलब कि देयर इज फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, शुगर लेवल जो है आपका ब्लड के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा, देन कोल्ड आपको ठंड ज्यादा लगेगी, दर्द ज्यादा महसूस होगा, देन आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, देयर इज इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, क्योंकि आपके अंदर जो कंडीशन है वो ऐसी है कि आप यू आर नॉट एबल टू फाइट अप, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कम हो रहा है, एनर्जी नहीं है, तो ये चीजें इन एडिसन्स डिजीज कॉज करते हैं, ये सिम्टम्स हैं उसके। अगर आपकी एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रेशन ज्यादा है, देयर इज मोर सिक्रेशन, नॉर्मल से ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर सिक्रेशन, और हाइपर सिक्रेशन को हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन आ जाएगी बेटा, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, द कंडीशन इज कॉल्ड एज कुशिंग सिंड्रोम। अब इसमें क्या है, कुशिंग मतलब कुशन जैसा, मतलब कि ओबेसिटी आ गई, ठीक है, देयर इज ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि आपकी जो ब्लड में शुगर है वो काफी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, देयर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द शुगर, वीकनेस आपको फील होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस इज वीकनिंग ऑफ बोन्स, वाटर एंड सॉल्ट की रिटेंशन रहेगी, देयर इज रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट,
इसी वजह से आप एक कुशन की तरह मतलब ओबीस नजर आओगे, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए जब वो नॉर्मल से सिक्रीशन कम है और नॉर्मल से सिक्रीशन ज्यादा है। क्लियर है? एड्रेनल ग्लैंड इज क्लियर नाउ। ओके,